दोस्तों इस वक्त मौजूद आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ये आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं आप यूपी निकाय चुनाव की। जी हाँ दोस्तों, ताजनगरी आगरा सहित सुबह पहले फेज की वोटिंग 7 बजे से जारी हो चुकी है। मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया है। वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग युवाओं से लेकर दिव्यांग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। महिला वोटर्स में भी काफी उत्साह देखा गया है। पोलिंग बूथों पर भी गजब अजब नजारे दिखाई दिए। कोई शादी के जोड़े में तो कोई शादी करने से पहले वोट डालने पहुंचा। तो वहीं 90 वर्षीय बुढ़िया देखिए किस प्रकार एक महिला लाठी के सहारे मतदान केंद्र पर पहुंची। तो वहीं कुछ महिलाएं अपने परिवार के साथ भी मतदान केंद्र पर पहुंचे। तो वहीं कुछ बुजुर्ग भी अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे। तो वहीं कुछ युवाओं को मायूसी हाथ लगी जब उन्हें यह जानकारी हुई कि उनका मत पहले ही किसी ने डाल दिया है और वह मायूस होकर वहां से लौट आए। तो वहीं एक युवा ने बताया कि आज उसकी शादी है और शादी से पहले वह इस मतदान में भाग लेगा, इस राष्ट्रीय पर्व में भाग लेगा और उसके बाद मतदान करने के लिए जाएगा। वहीं आपको बता दें यूपी में लगभग 50% से अधिक पूरे ताजनगरी आगरा का मतदान रहा है और इसको लेकर काफ़ी उत्साह सभी में दिखाई दे रहा है। तो जानते हैं देखिए क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का। और वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। आपको बता दें लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान में सभी ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई है। शाम 5 बजे तक आगरा जनपद में 50.19% मतदान हुआ, जिसमें नगर निगम का 34.45 तो नगर पंचायत का 58.65 और पालिका परिषद की अगर बात की जाए तो 57.48% मतदान रहा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहिए खबरों में। तो देखिए क्या कुछ कहना है बुजुर्ग महिला का, बुजुर्ग पुरुष का, वहीं दूल्हे का एवं युवा का क्या कुछ कहना है इस पूरे चुनाव को लेकर। परेशानी वही कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, चुनावों में कोई अंतर आया है? नहीं नहीं नहीं, पहले डालते थे आप जो बदलाव पहले से अब अच्छा है? अब अच्छा है। वोट डाल दी? अच्छा अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी लगभग? लगभग उम्र कितनी होगी आपकी? 74। अच्छा, वोट डालने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आई? ये कोई दिक्कत तो नहीं आई? अच्छा ये बताओ, इससे पहले आपने जवानी में भी वोट डाले होंगे और आज इस उम्र में वोट डाल रहे हैं, तो पहले की अपेक्षा इस बार कितना अंतर देखने को मिल रहा है आपको? पहले कैसे चुनाव डलते थे, अब कैसे डल रहे? अच्छा अच्छा, मेरा नाम सरोचार है, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। वार्ड नंबर 14 से निकाय चुनाव का चुनाव हो रहा है और काफी अच्छा चल रहा है इधर मतदान। महिलाएं भी आ रही हैं और बेटियां भी आ रही हैं, जो कि सुबह से हम भी भागदौड़ कर रहे हैं, अपना घर घर से निकाल करके ला रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं चल पा रही हैं, उनकी भी व्यवस्था कर रहे हैं लाने की, और काफी अच्छा चल रहा है चुनाव इधर। क्या कहना चाहोगे इस चुनाव को लेकर? बहुत महिलाएं आई हैं अपना और अच्छा चल रहा है कार्य सारा। पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और बारिश हो चुकी है, मौसम आप देख ही रहे हैं, कीचड़ भी हो चुकी है, सिर्फ कमल खिलने की देर है और बहुत अच्छा चल रहा है इधर। मैं गोविंद चारू, भारतीय जनता पार्टी से, और यहाँ पर नगर निगम का चुनाव हो रहा है, वार्ड नंबर अपना 14 है, और यहाँ की हम लोग वोटर भी अपना वोट डाला है और बाकी सारी व्यवस्थाओं को दिखवा रहे हैं यहाँ पे, और सब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और कोई किसी तरह किसी वोटर को कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा चुनाव मतदान हो रहा है यहाँ पर। मैं प्रवीण गुप्ता, मधुनगर मंडल अध्यक्ष। क्या कारण है?
आज मेरा विवाह भी है और आज राष्ट्र में इस धर्म युद्ध में अपनी आहुति देने के लिए मतदान के रूप में आज मैं यहाँ हूँ और आज सुबह मतदान करके उसके बाद मैं शाम को विवाह समारोह में अपने में शामिल होऊंगा। क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश मैं नौजवानों को यही देना चाहता हूँ, जैसा कि देश के प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि भारत युवाओं का देश है, तो आज मैं आगरा महानगर के उन युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले घर से निकल के इस धर्म के युद्ध में अपनी आहुति दें मतदान के रूप में और भाजपा रूपी कमल को एक बार फिर से विजयी बनाएं, जो 34 साल का त्रिस में है कि उनका मेयर भाजपा का बंदा चला आ रहा है और जिसमें भाजपा की सरकार रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, उसमें अपना योगदान दें। जीतू कौन सा कहां वोट डालना है? ये ऐसा टैगर उसको टैगर पे आया सर वोट डालने। वोट डाल दी फिर आपने? नहीं डाली सर। क्या मामला है? मामला ये है, मैं पर्ची दिखाई, आधार कार्ड दिखाया, वो बोल रहे हैं कि वोट डल चुका है, पर वोट दूसरा कौन डाल चुका है जब ये सारा सामान मेरे पास है, ना किसी हाथों में साइन ना कुछ भी, तो वोट कौन डाल गया मेरा ये नहीं पता पड़ रहा है। वो कह रहे अंदर डल गया आपके नाम से, पर डल कैसे का? कौन सा वार्ड लगता है तुम्हारा? 14 नंबर है। मेरी सभी आगरा के भाई बहनों से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपने आगरा शहर को जो स्मार्ट सिटी है इसे और सुंदर और स्वच्छ और वैभवशाली बनाए।